वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी कार्डियो। तो आज हम बात करेंगे कार्डियोलॉजी जीटी रोड कानपुर नगर की। तो बच्चे आप जानकर बड़ी खुशी होंगे कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है ओटी टेक्नीशियन और कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का वो आ चुका है। और उस मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम है, कहाँ से सर्च करना है, कैसे करना है, ये सारी डाटा हम आपको लिंक में अपडेट कर देंगे। और ये चीज़ें कहाँ से क्या करना है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर मेरिट लिस्ट है। सबसे पहले आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। तो मैं आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहा हूँ। ये चीज़ें मैं पहले से सर्च किया था। देखिए ऐसे आप सर्च इंजन पे WWELPS कार्डियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद हमने यहाँ की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरह के नोटिस दिखेगा। यहाँ पे जाने के उपरांत आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक पे करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक पे करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर कार्डियक टेक्नीशियन, फर्स्ट लिस्ट आप ओटी टेक्नीशियन। जो बच्चे ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म भरे थे ओटी टेक्नीशियन में लिस्ट में नाम दे सकते हैं, या जो कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में भरे थे उसका कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में क्या क्या नाम है। तो देखिए जैसे कि ओटी टेक्नीशियन है, ये ओटी टेक्नीशियन में जैसे फर्स्ट जो रैंक लाए हैं प्रमोद कुमार है, अखिलेश कुमार है, इनकी हाई स्कूल में 67 थे और इंटरमीडिएट में 93% थी। मेरी एक स्टूडेंट है जिसका कुमारी यहाँ पे उसका मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ओटी टेक्नीशियन में उसका कुमारी प्रीति कुमारी, ये जो कुमारी प्रीति कुमारी है रामकिशन राम की है और ये एससी कैटेगरी की है। इसके हाई स्कूल में 80% था, इंटर में 76% था। ये इनका हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये फॉर्म भरी थी। तो अब ये चीज़ें करना क्या है, इसको आप काउंसलिंग के लेटर जो मिला है, आप काउंसलिंग लिस्ट आ गया है और यहाँ से करने के उपरांत नाम सर्च कर लीजिए। अगर नाम सर्च में अपना नाम दिखा रहा है तो ठीक है, अगर नाम नहीं दिखा रहा है तो घबराइए मत। इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी, सेकेंड मेरी लिस्ट आएगी, उसमें भी नाम आ सकता है। क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में क्या है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई तो करेंगे, लिस्ट में नाम तो है लेकिन उसका फीस नहीं पे करेंगे। जब फीस नहीं पे करेंगे तो क्या होगा कि कॉलेज लॉक नहीं करेंगे, तो सेकेंड लिस्ट आ सकती है। तो यहाँ पे आप सेकेंड लिस्ट में जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जिसका नाम दिखा रहा है पे एडमिशन फ़ीस, यहाँ पर पे एडमिशन फ़ीस कर सकते हैं। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सबमिट करेंगे, 20,000 रुपये चलान रहेगा, 20,000 रुपये जमा करकर उस रसीद को नोटिस करके रूप में रख लेंगे और कॉलेज पे जाकर वहाँ पे सबमिट कराना रहेगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस थे। और इसी तरह कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में भी थे ऐसे ही थे, उनका भी लिस्ट में नाम आ चुका है। जिन बच्चों का मैसेज आया है कि वो काउंसलिंग के लिए अपीयर किया गया, तो बच्चे उससे घबराइए मत। सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी उस काउंसलिंग वाले बच्चे को जिनका मैसेज आया, सबका मैसेज नहीं आया, उन्हीं का मैसेज आया जिनका उसमें एडमिशन काउंसलिंग हुआ है। तो वो बच्चे घबराए नहीं, उनका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उनको एडमिशन के लिए कराया जाएगा और वो इसी तरह के प्रोसेस को अपना जो भी है वो अपना जमा करके फीस जमा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे बाय।